प्रोफेशन की ही बात चल रही है तो प्रोफेशन की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका ध्यान एक ऐसे प्रोफेशन की तरफ ले जाना चाहूंगी जहां कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। परिवार का साथ नहीं बल्कि परिवार की दूरी को सहना पड़ता है। जहां अपने साथ नहीं होते हैं बल्कि अपनों की दुआएं हम साया बनकर साथ रहती हैं। जोखिम भरी जिंदगी, जोखिम भरा काम, जहां जोखिम उठाए बिना लक्ष्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। मौत का हर समय खतरा मगर अपनी मौज में रहना। जहां हर व्यक्ति कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए समंदर से प्रेरणा लेकर ये कहता है, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मरीन और डाइविंग के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के ऐसे वर्ग समूह की जिन्होंने समुद्र के हृदय को अपनी कर्मभूमि बनाना ही अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है। लहरों से बातें करना, लहरों से अटखेलियां करना उनका जुनून होता है। इस तरह के प्रोफेशन को अपनाने वाले व्यक्तियों की कुंडलियों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो इस चुनौतीपूर्ण जोखिम भरे व्यवसाय को चुनते हैं। इस जोखिम भरी जिंदगी पर एस्ट्रोलॉजिकल अप्रोच करने का जोखिम जिन्होंने उठाया है, मैं ऐसे व्यक्ति को आवाज देना चाहूंगी, महेश प्रसाद जी फ्रॉम बॉम्बे। जोरदार तालियां, पीछे के लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, तालियां दिखनी चाहिए। महेश जी पिछले 27 सालों से शिपिंग और मरीन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आपने 1987 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में एज अ साइंटिस्ट अपने कैरियर की शुरुआत की। 1991 में मर्चेंट नेवी ज्वाइन की। अपने जोरदार तालियां। अपने कैरियर के दौरान कई शिपिंग कंपनियों में आप प्रेसिडेंट, हेड तथा सीईओ के पद पर कार्यरत रहे। वर्तमान में आप सैमसंग मैरीटाइम लिमिटेड शिपिंग कंपनी बॉम्बे में कार्यरत हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ आपके व्यक्तित्व के बारे में तो आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, न्यूक्लियर इंजीनियर हैं, मरीन इंजीनियर हैं, MBA हैं, क्वालिटी एंड एनवायरमेंट ऑडिटर हैं, लीडरशिप एंड बिजनेस कोच हैं, मास्टर स्किल लाइफ कोच हैं, फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर हैं, मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर हैं श्री महेश जी। थैंक यू सो मच। पसीना आ गया, टेंशन आ गया। एनीवे सबसे पहले तो वेदों का श्लोक एक आपके सामने बोलता हूँ। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। थोड़ा तेज बोलने के लिए कहा गया है। मेरे जितने भी ज्योतिष मित्र हैं सब कैलकुलेट कर रहे होंगे, वाणी थोड़ी धीरे है। एनीवे दोस्तों, आप सबका मैं सबसे पहले तो गुरु जी को प्रणाम कहता हूँ। आप सबको यहाँ मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल से थोड़ा सा सब चीज़ें भूल गया हूँ। वैसे मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। मरीन मेरा प्रोफेशन है। काफ़ी लोग काम कर रहे हैं अंडर में, करीबन 200 के करीबन लोग काम करते हैं, जिनको शिपिंग से समंदर में रह के काम करना एक अपने आप में एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता है, जिसमें स्पेशली जब डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर हैं, उनको जो है रफली एयर डाइविंग जो है कम से कम 30-40 मीटर पानी के अंदर जाके काम करना होता है। तो उसके लिए जो है अभी इफ़ यू ट्राई टू कैलकुलेट फ्रॉम द ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें तृतीय भाव तृतीश उसके अंदर जो है, सबसे पहले मैं वैलिडेट करना चाहता था गुरु जी की जितनी किताबें हैं और ज्योतिष की किताबें हैं उसके अंदर जो लिखा है उस टाइप का सही में ऐसा होता है क्या, वो मैं देखना चाहता था, इसलिए मैं जुड़ा। मैंने देखा कि किताबों में जो कुछ ज्ञान लिखा हुआ है और जो मैं अपने अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोग की कुंडलियाँ मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, उसमें देखता हूँ तो चंद्रमा की पोजीशन मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है 10th हाउस के अंदर है, और अष्टमेश
और अष्टम भाव उस जो समुंदर से रिलेटेड होता है वो भी जो है उसके अंदर क्लैरिटी में दिखता है। मेरा ऐसा सोचना है कि ज्योतिष के माध्यम से जैसा गुरुजी ने बताया कि समाज को फायदा पहुंचना चाहिए, और इसका उपयोग जो मैं करने वाला हूँ वो इसकी स्टडी के बाद में जो दशा अंतरदशा जब चलती है डाइवर्स की, तो उनको जब जान का खतरा रहता है हम उनको नीचे भेजते हैं तो एक्सीडेंट्स का मृत्यु का भय हमेशा रहता है। जब दशा अंतरदशा खराब है ऐसे टाइम पर उनको छुट्टी देना मेरे ख्याल से बेस्ट काम रहेगा। दूसरा, प्रोफेशन के हिसाब से जब पत्नी से दूर रहते हैं, जब यंग रहते हैं तो अपने परिवार से दूर रहते हैं, ये सारे योग उसमें देखने के लिए मिलते हैं कुंडली में। तो मैं एक तरीके से वैलिडेट कर रहा हूँ कि जो वेदों का जो शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, वो साइंटिफिकली देखने से मुझे लगता है कि सब कुछ सही है। गुरु जी की जो किताब है उसमें भी प्लीज़ क्लैप कर दें। इसके अलावा 100 के करीब कुंडलियाँ मेरे पास में और भी लोगों की हैं। कई लोगों का जो है डेट ऑफ बर्थ जो है डाइवर्स को नहीं मालूम रहता है, कई जो है उसके अंदर कुंडली में ये भी देखा जाता है कि वो पढ़े लिखे कम और पढ़ाई लिखाई का टाइम नहीं मिलता उनको, तो वो भी जो है चीज़ देखने मिलती है। समुंदर में रहने एक तरीके का जेल का योग बनता है, 12th लॉर्ड, सिक्लूडेड प्लेस में रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। नवयुग ज्योतिष संस्थान का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मुझे जोड़ने के लिए, और मेरी जितनी भी कोशिश रहेगी कि बेस्ट दी बेस्ट मैं दे सकूँ इसके लिए, और इसका जितना भी फ़ायदा होगा मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जो भी मरीनर्स हैं डाइवर्स हैं उनके लिए जितना मैं अच्छे से अच्छा कर सकूँगा आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। लास्ट में ममता जी का स्पेशल धन्यवाद बहन ममता का, उन्होंने इतना अच्छा मेरा परिचय दिया, मुझे भी मालूम नहीं था कि मेरी इतनी सारी चीज़ें ईश्वर की दया हमेशा बनी रही, इसके लिए इतना सब ज्ञान हासिल करने का मौका मिला। और एक श्लोक याद आता है, पूर्ण मिदह पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मदच्छते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेव अवशिष्यते, सब कुछ मिलजुल करके एंड में सब कुछ एक ही हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच। देखा आपने अध्यात्म और योग से जुड़ने के बाद किस तरह से आपने ब्लिस सर से मिले ज्योतिषी ज्ञान को, उनसे अर्जित ज्ञान को, आपने समुद्र में काम करने वाले लोगों और गोताखोरों की कुंडलियों का अध्ययन करने में आप ये सारा ज्योतिषी ज्ञान लगा रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, आपका मैं बहुत